बीजेपी में क्या कोई बड़ी बगावत होने वाली है? क्या कोई बड़ा नेता बीजेपी को अलविदा कह देगा? क्या राहुल गांधी पीएम मोदी की टीम से किसी को बाहर निकालने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता के राहुल गांधी कसीदे पढ़ रहे हैं और वही नेता बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका सी न्यूज भारत की इस खास रिपोर्ट में। वैसे तो राजनीति में लोग कम ही अपनी पार्टी की आलोचना करते हैं, लेकिन नितिन गडकरी इसमें पीछे नहीं हटते। कई बार उनके बयान केंद्र सरकार को घेरते नजर आते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी फिर से अपनी ही पार्टी के आलोचक बन गए हैं और विपक्ष को मुद्दा उठाने के लिए थाली में बड़े करीने से चुनाव के लिए उपहार के रूप में परोस दिया है। सच बयान देने के लिए मशहूर गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार की बहन योजना के विरोध का झंडा उठा लिया है। इससे उन्हें लगता है कि इससे अन्य क्षेत्रों में सब्सिडी के समय पर राज्य के भुगतान में बाधा आ सकती है। ये योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मकसद से पहल के बारे में है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने ये कहने में कोई समय बर्बाद नहीं किया कि अगर सत्ता में बैठे लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था गंभीर स्थिति में है, तो शायद हम सभी को घबराना शुरू कर देना चाहिए। दिवाली के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने को देखते हुए लड़की बहन योजना और राज्य के वित्त पर गडकरी की सार्वजनिक राय भी काफी महत्वपूर्ण है। विपक्ष गडकरी की टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जैसे ही गडकरी मुद्दा उठाते हैं, विपक्ष उसे आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रहता। दरअसल सोमवार को नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा, क्या निवेशकों को समय पर सब्सिडी मिलेगी? कौन जानता है, हमें लड़की बहन योजना के लिए भी फंड देना होगा। दूसरे शब्दों में उन्हें डर है कि पहले अन्य सब्सिडी के लिए तय धनराशि अब डाइवर्ट कर दी जाएगी। देखा जाए तो अभी हाल में ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में कहा था कि जिस फाइल पर पैसे रखे होते हैं वो हमारे सिस्टम में तेजी से चलती है। उन्होंने ये आरोप सीधे नौकरशाहों को संबोधित करते हुए लगाया था, यानी कि गडकरी अक्सर बयानों से बीजेपी से खफा ही नजर आते हैं। वहीं हाल ही में राहुल गांधी के एक बयान ने एक और हवा को जोर दे दिया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी गडकरी को कांग्रेस में देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने खुले मंच पर गडकरी की तारीफ की। यकीन ना हो तो आप खुद सुन लीजिए। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। आप इनके चेहरे देखो, मोदी जी का चेहरा देखो, राजनाथ सिंह जी का देखो, मोहन भगवत जी का देखो, इनके सब कार्यकर्ताओं का चेहरा देखो, वो ऐसे देखेंगे। पता नहीं अजीब सी बात है, गडकरी जी मुस्कुराते रहते हैं, तो वो थोड़ा अलग है, बट सारे के सारे इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा ये गुस्से में रहते हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में इस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। वो अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। सोनीपत में अपने चुनावी सभा में राहुल गांधी ने बीजेपी के सभी बड़े नेताओं पर जमकर हमला बोला, लेकिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की, उन्हें थोड़ा अलग नेता भी करार दिया। देखा जाए तो दोनों घटनाक्रमों को साथ जोड़ा जा सकता है। वहीं गडकरी जिस तरीके से सरकार के खिलाफ एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उससे ये अटकलें तेज है कि वो ऐसा आरएसएस के कहने पर कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के असली आलाकमान मोदी शाह जोड़ी से आरएसएस नाराज बताया जा रहा है, इसीलिए गडकरी से चुन चुन कर बयान दिलवाए जा रहे हैं। वहीं इसका फायदा राहुल गांधी उठाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। हालांकि गडकरी बीजेपी को अलविदा कह दें, ये फिलहाल संभव नहीं लगता। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।